स्पाइडरमैन, इन शब्दों का अर्थ होता है एक पतला आदमी। स्लेंडरमैन, एक ऐसा जीव जो जंगलों में मंडराता है। दूर से देखे जाने पे स्लेंडरमैन किसी मानव की तरह दिखता है, पर वो कोई मानव नहीं है। स्लेंडरमैन एक ऐसा जीव है जो मानवीय रूप में घूमता है, जो दिखने में बहुत ही पतला होता है और उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट होती है। एक ऐसा जीव जिसके चेहरे पे ना बाल होते हैं, ना आंखें होती है, ना कान होते हैं और ना कोई मुंह होता है। इस जीव की पीठ से ऑक्टोपस जैसी लंबी लंबी भुजाएं निकलती हैं, जो उसके शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करती हैं। इतना ही नहीं, स्लेंडरमैन इस जीव के पास माइंड कंट्रोल की शक्ति भी होती है, जिससे वो लोगों के मन पे काबू पा सकता है। कहा जाता है स्लेंडरमैन ये जीव ज्यादातर छोटे बच्चों को अगवा कर लेता है। इन छोटे बच्चों को वो बहला फुसला कर जंगल में लेके जाता है और वो बच्चे फिर कभी वापस दिखाई नहीं देते। कहा जाता है ये छोटे बच्चे स्लेंडरमैन के कहने पे कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि किसी की जान लेना या फिर खुदकुशी कर लेना। दरअसल स्लेंडरमैन एक काल्पनिक चरित्र था, जिसका निर्माण एरिक न्यूटसन नाम के आदमी ने 2009 में किया था। एक पतला कद में ऊंचा आदमी जिसके चेहरे पे कोई भावनाएं नहीं हो और जो एक काला सूट पहन के जंगल में मंडराता है और छोटे बच्चों को अगवा कर लेता है। भले ही स्लेंडरमैन एक काल्पनिक चरित्र था, पर लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। साल 2014 में दो छोटी लड़कियों ने उनकी ही एक सहेली पे 19 दफा चाकू से वार किए और उसे मारने की कोशिश की। खुश नसीबी से वो छोटी लड़की इस हमले में बच गई और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन छोटी लड़कियों ने बताया कि स्लेंडरमैन को खुश करने के लिए उन्होंने अपनी सहेली की जान लेने की कोशिश की। अमेरिका में एक और छोटी लड़की ने अपनी ही माँ पे चाकू से हमला किया। उसका कहना था कि स्लेंडरमैन ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। एक और ऐसी ही दुर्दैवी घटना में एक छोटी बच्ची ने अपने ही घर को आग लगा दी और उस दुर्घटना में उसकी माँ और उसका छोटा भाई जल के मारे गए। और ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई जिनमें छोटे बच्चों ने या तो खुद की जान ली या फिर दूसरों की, और उनका कारण स्लेंडरमैन को बताया। आपको क्या लगता है, क्या सच में स्लेंडरमैन जैसे जीव का वजूद है या फिर इस काल्पनिक चरित्र का उपयोग लोग अपराध करने के लिए कर रहे हैं? इस वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।